Assalamu alaikum, welcome back to e-learning point. Here is Mani. So today I'm gonna practice business mathematics for 11th commerce chapter 3 interest and annuities exercise 3. So let's start. So question number 3.39 is find the amount of rupees 1500 invested at 6% compounded semi-annually and due at end of 8.5 years. ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि हमने अमाउंट फाइंड करना है कि 1500 इन्वेस्टमेंट हुई है उस पर 6% रेट है, ठीक है, और सेमी कंपाउंडेड सेमी एनुअली है मींस एम कितना हो जाएगा हमारे पास, एम 2 आ जाएगा, ठीक है, और हमने फाइंड करना है कि 8.5 इयर्स के एंड तक उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड अमाउंट हमने इसमें फाइंड करना है. सो सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, गिवन है हमारे पास प्रिंसिपल है 1500, ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन था 1500, आए जो कि रेट था हमारे पास 6%, अब यहाँ पर परसेंटेज है, ठीक है, सो इसको परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे. सो 6/100 इज इक्वल टू 0.06 एंड टाइम हमें दिया हुआ है 8.5 ईयर्स, ठीक है. सो और एम है हमारे पास सेमी एनुअली था, सेमी एनुअली हो या हाफ ईयरली हो तो हम 2 लेंगे, ठीक है, सो एम हमारा 2 है. नाउ फाइंडिंग आई डिवाइड बाय एम, ठीक है, सो आई हमारे पास क्या है 0.06, डिवाइड करेंगे एम से जो कि है हमारा 2. सो इनको हमने डिवाइड किया, 0.06 डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास आई डिवाइड बाय एम आ जाएगा 0.03. सो नाउ फाइंडिंग एम टी जो कि हमारी एक्सपोनेंट पावर होगी. सो एम टी इज इक्वल टू एम हमारा 2 है एंड टी हमारे पास 8.5 है. सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 से, सो 8.5 = 17. सो हमने एम टी भी फाइंड कर लिया. अब इसको पुट करेंगे हम फॉर्मूले में. सो फॉर्मूला है कंपाउंड अमाउंट का, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + i/m की होल पावर एम टी, ठीक है. सो अब पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे, जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 1500, ब्रैकेट में है 1 क्योंकि फॉर्मूले का 1 है, सो ये एज इट इज आएगा 1 + i/m हमने फाइंड किया था जो कि था 0.03 एंड होल पावर 17, एम टी हमारा 17 था, ठीक है. सो ए इज इक्वल टू 1500, अब 1 इसमें प्लस होगा, सो 1.03 की पावर 17, ठीक है. सबसे पहले हम पावर फाइंड करेंगे एंड देन प्रिंसिपल जो कि 1500 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए इज इक्वल टू 1500, ब्रैकेट में आ जाएगा जब हमने इसकी 1.03 की पावर 17 फाइंड की, सो हमारे पास आएगा 1.652. सो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, सो हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा 2479.271 हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड अमाउंट आंसर. सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3.40 इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 2000 एट 10% कंपाउंडेड मंथली फॉर 2 ईयर्स, ठीक है. सो क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. इन्वेस्टमेंट हमारी है 2000 की, उस पर रेट है 10% एंड कंपाउंडेड हुआ है, यानी कि कंपाउंड हो रहा है मंथली, ठीक है, और कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए. टाइम हमारे पास क्या है, 2 ईयर्स, ओके. सो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लेंगे, गिवन है हमारे पास, जो गिवन है वो चीज़ें हम लिख लेंगे. हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ले लिया. प्रिंसिपल है हमारे पास 2000, ठीक है, एंड आई हमारे पास दिया है 10%. सो 10% है तो 10/100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.10, ठीक है. सो अब एम हमारे पास क्या है, यहाँ पर मंथली है. सो मंथली वी नोट डेट कि जब भी मंथली आएगा तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12. सो हम एम इज इक्वल टू 12 ले लेंगे, ठीक है. एंड टी हमारे पास टाइम कितना है, 2 ईयर्स का. सो टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स हो जाएगा. सो नाउ वी फाइंडिंग एम टी जो कि पावर है, ठीक है. सो एम है हमारे पास 12 एंड टी हमारे पास 2 है, सो 12 × 2 = 24. नाउ वी फाइंडिंग आई डिवाइड बाय एम. सो आई डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू आई हमारे पास है 0.10 डिवाइड बाय एम से जो कि है 12. सो जब हमने 0.10 को डिवाइड किया 12 से तो हमारे पास आ जाएगा आई डिवाइड बाय एम 0.00833, ठीक है. सो फॉर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड कंपाउंड अमाउंट. सो फॉर्मूला फॉर कंपाउंड अमाउंट है हमारे पास ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + i/m की होल पावर एम टी, ओके. सो अब पुटिंग वैल्यू करेंगे, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 2000, ब्रैकेट में 1 + i/m हमारे पास था 0.00833 की होल पावर 24, ठीक है.
सो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड देन एक्सपोनेंट पावर फाइंड करके प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए इज इक्वल टू 2000, 1 जो है वो प्लस होगा, सो 1.00833 हो जाएगा एंड पावर इसकी 24 आएगी. ठीक है, अब हम पावर फाइंड करेंगे. सो ए इज इक्वल टू 2000, ब्रैकेट में आ जाएगा, जब हमने इसकी पावर फाइंड की तो ब्रैकेट में आएगा 1.220. ओके, सो अब ये मल्टीप्लाई होगा प्रिंसिपल से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 2440.781. हमने फाइंड कर लिया पहले कंपाउंड अमाउंट. अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, नाउ फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का ए माइनस पी. ओके, सो पुटिंग वैल्यू करेंगे. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास अमाउंट कितना था 2440.781 माइनस करेंगे 2000 से जो कि हमारा था प्रिंसिपल. सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 440.781 आंसर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.